हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम लोग 16 जून के पूरे दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं वो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मतलब आज के जो पूरे दिन के करंट अफेयर हैं आज ही इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश को जुलाई में एजेंसी में वापस दोबारा शामिल होने की सूचना दी है? तो ये जो देश है वो वापस शामिल हो रहा है वो है यूएसए, अमेरिका। यानी कि ये जुलाई में वापस यूनेस्को की जो एजेंसी है उसमें शामिल हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, 31 अगस्त से 17 सितंबर तक आयोजित होने वाला एशिया कप 2023 टूर्नामेंट की मेजबानी कौन से देश करेंगे? तो ये दो देश करेंगे, पाकिस्तान और श्रीलंका। पाकिस्तान में 4 मैच होंगे और बाकी के लास्ट के 9 मैच श्रीलंका में होंगे। तो एशिया कप 2023 टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे दो देश, पाकिस्तान और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पुस्तक मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट के लेखक कौन है? तो ये बुक लिखी गई है अश्विंदर आर सिंह, जो कि रियल एस्टेट के विशेषज्ञ हैं, इनके द्वारा लिखी गई है अश्विंदर आर सिंह। बुक का नेम है मास्टर रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान की किस सीनियर बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये लिया है नाहिदा खान ने, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। पाकिस्तान क्रिकेटर हैं ये नाहिदा खान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने कम लागत वाले स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग डिवाइस को तैयार किया है? तो ये किया है IIT मद्रास ने, जो एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड स्मार्ट डिवाइस है जिसकी कॉस्ट बहुत कम है, तो ये तैयार किया गया है IIT मद्रास द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राजा कृषि उत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया है ओडिशा राज्य में, राजा कृषि उत्सव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पालकी त्यौहार किस राज्य में मनाया गया? तो पालकी त्यौहार मनाया गया है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामचंद्र गुहाजी की किस पुस्तक के लिए उन्हें एलिजाबेथ लॉन्गहॉर्न प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो उस बुक का नाम है रिबेल्स अंगेस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडिया फ्रीडम, ये बुक का नेम है जिसके लिए उन्हें एलिजाबेथ लॉन्गवर्ड प्राइज से सम्मानित किया गया है रामचंद्र गुहाजी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को सुंदर इमारतों के लिए इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है तेलंगाना राज्य को। बाकी 5 इमारतों को चुना गया है जो कि काफ़ी सुंदर हैं, उस बेसिस पर इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड तेलंगाना को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुजा ग्रुप के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं गोपीचंद हिंदुजा, ये हिंदुजा ग्रुप के नए चेयरमैन हैं गोपीचंद हिंदुजा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से किस ड्रोन की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है? तो ये दी है प्रीडेटर ड्रोन, ये अमेरिका से बाई करा जाएगा, तो रक्षा मंत्रालय ने फिलहाल इसके लिए सहमति दे दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मनाए गए इंटरनेशनल फैमिली रिमिटेंस डे 2023 का थीम क्या था? ये इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज 2023 ये आज के दिन ही मनाया गया, यानी कि 16 जून को, और इसका जो थीम था वो है डिजिटल रेमिटेंसेज टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड कॉस्ट रिडक्शन, ये इसका थीम था और ये हर साल 16 जून को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज दिन के 16 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं आने वाले एग्जाम्स के लिए, वो इस वीडियो में कवर किए थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और डेली करंट अफेयर के लिए आपको डेली वीडियो मिलेगी रात को 9 बजे। Thank you for watching this video.